बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है। हम लोगों ने कल कुर्बानी नहीं की थी, आज हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं। और अभी बैल जो हमारा वो ज़िबा हो गया है, अभी उसका गोश्त बनाने लगे हैं हम लोग। तो आइए आपसे भी शेयर करते हैं कि जो ईद का दिन होता है कुर्बानी वाला, वो हम लोग कैसे गुजारते हैं। तो गर्मी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान जो है वो इस ईद पर कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए। जो बाकी सारा काम था वो ख़त्म हो गया, तो अभी हम गोश्त जो है उसकी गोटियाँ बना रहे हैं। तो बैल था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, सेहतमंद था, अभी इसकी बोटियां बनाते हैं। कुर्बानी से लेकर गोश्त बनाने तक और तकसीर करने तक सारा काम जो है वो अपने हाथों से ही करते हैं, और कोशिश भी यही होनी चाहिए। और ये गाँव वाले मोहल्ले वाले और सब मिलके करते हैं, क्योंकि कल गांव में और भी बहुत सारी कुर्बानियाँ थी, तो कल हम लोग नहीं कर सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमने की है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बनाएंगे और साथ हम कबाब बनाएंगे। कबाब जो है वो पकाएंगे, वो भी आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और एक तो लाइट भी हमारी तरफ बहुत कम होती है गर्मियों में, 150 के करीब जो है वो बोल्ट जा रहे हैं, और फैन दो हम लोगों ने लगाए हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो साथ जो गोश्त में आए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेन काम जो हमारा वो हो गया, अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1.5 घंटा लगेगा, तो इंशाल्लाह गोश्त जो है वो बन जाएगा इंशाल्लाह। कबाब जो है वो तैयार हो गया है, अभी इसको पकाने लगे हैं। तो सबसे पहले कबाब को हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से धो लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये एक अंदाज़े के मुताबिक ना तकरीबन ये 9 से 10 किलो होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ऊपर हम डालेंगे प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कटा हुआ। अभी जाएंगे इसमें टमाटर, कुटा हुआ लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुटा हुआ अदरक, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करते हैं, हल्दी पाउडर,
पिसी हुई सुर्ख लाल मिर्च, थोड़ा सा हम खुश्क धनिया भी ऐड करेंगे, और अगर पिसा हुआ हो तो वो ऐड कर ले, पिसा हुआ नहीं तो इसे मसल कर हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा दरदरा कर लेंगे इसको, ये सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा पानी है ये ऐड करेंगे, और ये वही बर्तन है जिसमें टमाटर थे, इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊपर दे देते हैं ढक्कन। गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है, तो हम उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम अक्सर बनाते हैं ईदों के ऊपर, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं हम बना रहे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हम नहीं डाल रहे। अगर आप चाहें तो आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा और परफेक्ट बनेगा। तो अभी आग के ऊपर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट पकने देंगे, और उसके साथ साथ इसे हम चेक भी करते जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट जो है वो बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर इसे पकने देते हैं। की पोजीशन है, यहीं अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह ये वाला बन गया, और इधर ये चाचू जान भी लगे हुए हैं, इधर मुकल्लफ भाई लगे हुए हैं। तो अभी ढक्कन हटा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी इसको हम मजीद पकने देंगे। अभी इसमें हमने चम्मच जो है वो नहीं चलाना, तो अभी हम चलाएंगे चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन हमें 20 मिनट हो गए हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह चर्बी होती है, तो ये जो चर्बी है इसका ऑयल बन जाता है। सही तरह मिक्स कर लेंगे चम्मच से। अभी इसको हम ढकना हटा कर ही पकाएंगे, और मसाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो गया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसने छोड़ दिया। अभी साथ साथ ये पानी खुश्क होगा, और साथ साथ इसकी जो है वो ग्रेवी बनती जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई हैं, और ग्रेवी भी बन गई है, और थोड़ा ऑयली हो गया क्योंकि इसमें चर्बी थी वो भी थोड़ी मेल्ट हो गई है। तो अभी इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाए ऑयल की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ऑयल छोड़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कबाब कलेजी हमारी ज़बरदस्त बन गई है। अभी सिर्फ इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्ज़ धनिया नहीं है तो उसकी जगह हम बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क धनिया जो है थोड़ा मसल के डाल देते हैं बस। तो अभी इसको हम उतार लेंगे नीचे। अभी इसको हम नीचे उतार लेंगे, और नीचे उतारने के बाद इसका ढकना जो है वो हम नहीं उठाएंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए। इसे दम लगाना है थोड़ा सा, उससे ये होगा कि खुशबू बहुत अच्छी बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी 2 मिनट के लिए इसका ढकना हम ऊपर ही रहने देते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القذر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان يا الله قول پاک رام کی تلاوت کی تھی ویڈیو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسلام کی سنت ادا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی تھی یا اللہ اپنی پار کر جائے فرمان اس پیارے سنت کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام صاحب اکرام صاحب یا شہداء کربلا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک حیتم پاک شہداء کربلا دی بار بار کے ثواب اس کے لیے اللہ پاک یا اللہ پاک اپنے معبود دے وسیلے اس پاک رحم اسباب حضور کی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی روح مبارکہ نو حدیتاً توفت نظرانہ پس کرنے یا اللہ قبول ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنہ سب کی روح انشاء اللہ سواب اس کرنے یا اللہ قبول ہوئی خصوص بالخصوص اس پیاری سننے کے سکتے اس پار کے سبیلہ قبیلہ ہوا معاف فرما اس پار کے نیک حالات میں پورا فرما اس پار کے بچ خیر و برکت عطا فرما ظالمہ کے ظلم کو نحاس دیے گئے حسن کو شیطان کے شر پر محفوظ فرما یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اپنی ربوبیت کا صدقہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما برائی کو بچنے کی توفیق عطا فرما اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وقل رب ارحمهما ربا جانا سبيلا وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد بسم الله الرحمن الرحيم साजिद भाई हमारे और ये मुझे कह रहे थे जब हम गोश्त बना रहे थे कि आपकी वीडियो मलेशिया में देखते थे हम आज आपके हाथ का खाएंगे तो अभी इनसे फीडबैक लेते हैं साहिद भाई क्या समझ रहे बहुत अच्छा है मज़ा आया मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखे क्योंकि गर्मी है इसलिए बिल्कुल नॉर्मल से मसाले हमने रखे तो मज़ेदार बने सही अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ और खाने के बाद गोश्त की तकसीम भी करनी है आप पहले